ves bastante bien. मुबारकबाद पेश करता हूं अमरपुरा के लोगों को, उन्होंने नंबरदार शाहनवाज साहब को चुना है और गवर्नमेंट ने आर्डर को निकाला है। मैं सबसे पहले तहसीलदार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि यहां का जो ये लड़ाई झगड़ा था वो ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह नंबरदार शाहनवाज साहब बहुत अच्छा काम करेगा, इंशाल्लाह जो हमारे तक होगा हम इसको ताउन करेंगे। शुक्रिया सर। शुक्रिया। आज हमें ये खुशी से खुशी का एक मुकाम है, आज हमने यहाँ रेन्यू विलेज अमरपुरा से एक खुशखबरी हम पूरे इलाके को देना चाहते हैं। हमें यहाँ जबकि मुझसे पहले हमारे सरपंच साहब ने ये यहाँ आकर के इस फंक्शन को इनाग्रेशन किया, इसने नंबरदार साहब को यहाँ शाहनवाज साहब को पगड़ी बांधी, हम इसके लिए इसका शुक्रगुजार हैं। ये बड़े दूर से आए, आज बारिश का मौसम था, लोगों की गैदरिंग इससे भी ज़्यादा होती लेकिन बारिश की वजह से इसमें कमी रही। तो मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहसीलदार साहब का, जिन्होंने कम से कम 14 या 15 साल का जो ये मसला डिस्प्यूट चल रहा था इस मसले को हल किया, जबकि हमारे सबका नंबरदार जनाब गुलाम हुसैन साहब हमारे रिश्ते में हमारे नाना जी लगते हैं और हमारे चाचा जान जनाब अब्दुल गनी भट्ट साहब, उन्होंने अपनी पीरियड को ख़त्म करके यानी 60 साल के उम्र के ज़्यादा उनकी उम्र चले गई है और आज गवर्नमेंट की स्कीम निकली और उन्होंने यहाँ नया नंबरदार मुंतखब करने की एक जो है तारीख डाली थी, तो उस तारीख के लिए हमारे शाहनवाज साहब ने इस फाइल को यहाँ इंटर किया। तो हम इसको शायद आज पांचवा महीना है या चौथा महीना है नंबरदारी आर्डर मिले हुए, तो हमें आज खुशी का मुकाम है कि यहाँ छोटे मोटे मसाइल लेकर के हमें दूसरे रहने विलेज में जाना पड़ता था। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का, जिसमें हमारे यहाँ के सोशल वर्कर हैं जनाब नूर मोहम्मद साहब हैं, यहाँ हमारे नीचे हमारे गनी आबाद से कुछ लोग हैं और हमारे न्यायपुरा से जाकर साहब वगैरह, हम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। और इसके शाहनवाज साहब के हमारे मामा जी इसके ससुर साहब गुलाम हुसैन साहब, उसने भी बड़ी कुर्बानी दी, तो हम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसके लिए जो है अपना वक़्त निकाल के शाहनवाज साहब के साथ चले गए और यहाँ आर्डर दिलवाया। हम तमाम लोगों का आज मशकूर व ममनून है, ख़ास करके यहाँ हमारे सरपंच साहब और नायब सरपंच साहब और मेंबर साहब सदाम साहब दुलुपकार साहब, इन तमाम लोगों ने इसमें बड़ी मेहनत की तो हमें जो है इंसाफ मिला, बहरहाल लेट ही इंसाफ मिला लेकिन इंसाफ मिला। हम इसके लिए तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।